हस्बैंड वाइफ की होगी लड़ाई, हस्बैंड कहता है भैया मैं तो जाऊंगा अकेला, या वाइफ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया विद कार, तो क्या करेगा? वेलकम बैक टू द चैनल लक्स ऑन द ट्रेल। आप देख रहे हो ट्रिपल ए एडवेंचर की तरफ से एक और मॉडिफिकेशन का वीडियो, और इस बार गाड़ी हमारे पास गाड़ियों का राजा स्कॉर्पियो एन। ये है 4x4 का टॉप वेरिएंट स्कॉर्पियो एन, पावरफुल गाड़ी है। तो ये गाड़ी जब हमारे पास आई तो ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा बड़ा था और चैलेंजिंग भी था। एक तो गाड़ी का प्रेशर था कि गाड़ी हमारी बहुत पावरफुल है तो इसमें कुछ सिस्टम भी हमारा पावरफुल होना चाहिए, और दूसरे जो हमारे भैया की डिमांड थी कि भाई सिस्टम कुछ ऐसा बनाना है कि अगर वो फैमिली के साथ कैंपिंग करें तो फैमिली आ जाए, और जब सोलो चलें तो वो सोलो सिस्टम उसमें लग जाए। तो उसी हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले हम शूट कर लेते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्या स्कॉर्पियो एन के अंदर किचन और बेड सेटअप जो कि बनाया है ट्रिपल ए एडवेंचर ने बड़े ही प्यार से। आपको करना है एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो मज़ा सा नहीं आता। बहुत मेहनत से बनता है पहले ये, फिर उससे ज़्यादा मेहनत से बनता है ये वीडियो, फिर उससे ज़्यादा मेहनत से होती है एडिटिंग, और आप एक भी लाइक नहीं करते। लाइक ज़रूर करना है आपने। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेड इतना कंफर्टेबल है कि हमने परमानेंटली लगा दिया है हालांकि हट जाएगा, लेकिन देखो बेड लगने के बाद भी जो दोनों सीट है ना, पायलट और को पायलट की, वो अपनी बिल्कुल जगह पर है, कोई आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद भी ये ऑलमोस्ट 6 फुट कुछ इंच, 2-3 इंच का बेड हमारा बिल्कुल तैयार है। चलती गाड़ी में भी दोनों बेड लग सकते हैं, सिंगल बेड भी लग सकता है, एक सीट लग सकती है, एक तरफ का बेड हो सकता है। तो ये सब हम करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने किचन को ओपन करने से। तो ये जो किचन है हमारा ब्यूटीफुली डिज़ाइन है ट्रिपल ए एडवेंचर के द्वारा, और इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बार हमने ग्रे, ब्लैक, लाइट ग्रे और वुड का टेक्सचर जो है उसका कॉम्बिनेशन लिया है, तो जो कि एक नेक्स्ट लेवल का कॉम्बिनेशन बन गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड तक देखना, बहुत कुछ है इसके अंदर, धीरे धीरे बताऊँगा मैं आपको डिटेल में। तो चलो ओपन करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये हमारा हैंडल है, ये। तो यहाँ से हम करेंगे इसको बड़े ही प्यार से ओपन। ये हमारा है बॉटल ओपनर, इससे आप जो टमाटो सॉस की बोतल होती है ना किसान और मैगी की, वो खोल सकते हो, समझ गए ना, ठीक है। ये देखो जी अंदर, ये हमारा जो अंदर का सीन है ये कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल ही वाटरप्रूफ एक वुड टेक्सचर पीवीसी है जो कि वाटरप्रूफ है, और वुड टेक्सचर है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है हमारी इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये हमने इसमें कुछ पार्टीशन कर दिए हैं, आप अपनी सेटिंग के हिसाब से इन्हें यूज़ कर सकते हो, पानी वानी गिर जाएगा कोई टेंशन नहीं है। जस्ट इसके नीचे हमारा हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर सा लोगो है ट्रिपल एडवेंचर का, नीचे फ़ोन नंबर है। कोई भी सेवा लेनी है आपको ट्रिपल एडवेंचर की तो आपको सिर्फ फ़ोन करना है, आगे का काम सारा मेरा। बॉटल ओपनर ये देखो जी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुकिंग का काम करना है तो उसकी हिसाब से ये हमारा स्टील का होना चाहिए था, जो कि है। और मेरी कोशिश ये होती है कि ये जो हमारा कुकिंग का सिस्टम होता है ना, गाड़ी से थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ना पता नहीं क्यों यहाँ रख रख के खाना बना रहे हैं, इतनी पास पास गैस रखी हुई है उन्होंने। तो यार मेरी यही सजेशन है कि वो थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा समझ जाओ बात को, ये जो चीज़ है जितनी दूर हो जाए उतना बढ़िया है। इसके नीचे एक स्पोर्ट लग जाएगी। इस बार जो हमारा फ्लैप है वो खुलना है ऐसे, ये खुलेगा ऐसे,
और इसके नीचे देखो जगह, ऑलरेडी इतनी जगह है, ये सामान सारा भरा हुआ है कैंपिंग का। हमने करण भाई का सामान था, हमने एक वहाँ से अपने पूरे सिस्टम को पिनअप किया है और एक यहाँ से और ऐसे ही उस साइड है, सामान आया हुआ है पूरा, अंदर तक जगह है इसके। देखो पूरी जगह हमने यूज़ की है और इसके ऊपर हमारे ये सारे जो दरवाजे हैं इसके ऊपर चले जाते हैं ऐसे। एक ये हमारा ये है देखो, ये पूरा हमने ऐसे इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से सामान निकालना है इसको वहाँ कर दो, वहाँ से सामान निकालना है इसको यहाँ कर दो। तो ये देखो ब्यूटीफुल ये ट्रे है जो कि आराम से बड़ा स्मूथली चल रही है। पूरा वुड फिनिश हमने इसमें भी दिया हुआ है, अपना सारा सामान वगैरह इसमें रख सकते हो और इसको ढैचू 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 कर सकते हो। ठीक है जी, ये फ्लैप हो गया। अब ये फ्लैप हो जाता है ऐसे बंद, एक फ्लैप हमारा खुलता है इधर से सेम। ये देखो नीचे जगह, इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ढक्कन आ जाता है, इसीलिए हमने इसको फ्लैप बनाया कि आप इसको यहाँ से इजीली यूज़ कर सको। इसके नीचे भी बहुत सारा सामान हमारा आ जाता है और यहाँ पर एक सरप्राइज़ भी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सोलो कैंपिंग के लिए। अभी फ़िलहाल ये फैमिली कैंपिंग की गाड़ी है, लेकिन इसको जब आपने सोलो कैंपिंग करनी है तो हम कैसे इसको सोलो में कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाता है बंद। ये हमारा बेड है जो कि दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, वो क्यों डिवाइड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके की फिनिश है जी हमारे इस बार के सेटअप की। हम आ गए हैं बेड की बात करने के लिए। तो बेड का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेम ऐसा ही है, उधर दो पार्ट में बेड बनाया गया है। ये हो जाएगा जी कुछ मैडम यहाँ से ये देखो ये चला जाएगा ऐसे पीछे, और सेम हमारे वो जो एंगल है ना वो देखो, ये देखो। इस बार क्या किया है कि हमने चार दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4। उसका रीज़न ये है कि हमें जब सोलो कैंपिंग के लिए बेड बनाना होगा तो हमें एक तरफ का सारा रिमूव करना होगा, उसको आप घर पे छोड़ सकते हैं और सिर्फ एक तरफ का बेड हमारा बना रहेगा। जैसे कि सपोज हमने जब सोलो कैंपिंग करनी है तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा हट जाएगा, कैसे हटेगा वो अभी बताता हूँ। तो ये हमारा इस बार जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया है बिकॉज ऑफ़ 4 रोड, और ये भी अच्छा खासा स्पेस है, आराम से 3 बंदे सो सकते हैं इसके अंदर, आराम से 3 बंदे। और बेड और भी लंबा होने का स्कोप अभी भी है, इसको हम 7.5-8 फुट तक भी ले जा सकते हैं, इनफैक्ट 9 फुट का भी कर सकते हैं। सीटें अगर आगे कर देंगे ना 9 फुट का बेड हो जाएगा, फिर तो चाहे 4 बंदे इधर उधर टांगे करके भी सो सकते हैं। गाड़ी जितनी बड़ी है उतना बड़ा सेटअप भी तो होना चाहिए था ना। तो एक सिनेरियो ये भी है कि हमें एक सीट चाहिए और एक बेड चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ये वाला बेड बना रहेगा। बेसिकली भी हमने किया क्या है, हमने उस वाले स्ट्रक्चर को हटा दिया है, ये रॉड हमारी यहाँ आ गई है, एक रॉड शिका वो भी निकाल दे बाहर। ये स्ट्रक्चर हमने लगा रहने दिया है और उसको हटा दिया, वो सीट हो जाएगी ऊपर, ये हो गई ऊपर हाँ, और ये बन जाएगा हमारा बेड ऐसे। ये लो जी, इट्स टू इजी। ये देखो की ये लो जी, अब बड़े आराम से एक बंदा यहाँ पे लेट सकता है। ओके, तो ये जो भी आपने स्कॉर्पियो N के अंदर सेटअप देखा ये था हमारा फैमिली ट्रिप के लिए। अब इन केस हस्बैंड वाइफ की होगी लड़ाई, हस्बैंड कहता है भैया मैं तो जाऊंगा अकेला, या वाइफ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया विद कार, तो क्या करेगा? तो वो इस सारे सिस्टम को कर देगा हल्का, इसका 40% हिस्सा जो है उठा के रख देगा घर में, और ये बन जाएगी सोलो राइडर, सोलो ट्रिप के लिए सोलो कार। अब वो होगा कैसे? बहुत सिंपल है, हम इसको उठाएंगे, ये आ जाएगा हमारा भार। यहाँ पे लगा हुआ है एक पेच, वो पेच है उसका नट का बोल्ट है यहाँ पे, इसको हम कर देंगे यहाँ से ढीला, हम करेंगे इसको ढीला। हाँ हो गया, ये लो जी हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये आ गया भार। और मुद्दा सारा ये है कि ये इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ 1 एंड 2
इन दो नट बोल्ट ने होल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमने ओपन कर दिया है और ऐसे ही जो हमारा नीचे का स्ट्रक्चर उसके साथ हमने उसको फिक्स किया हुआ है उस पेज से, और एक है हमारा इधर इस पेज से, उसको हम हटाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हटा देते हैं वो वाला नट बोल्ट, हमने बोल्ट खोल दिया, नट को बाहर निकाल देते हैं और ऐसे ही एक ये वाला है इसको भी खोल देते हैं। ये आ गया बाहर, वो बीच में थी ये वाली सपोर्ट, ऐसे ही एक ये लगी हुई है, इसको भी हटा देते हैं हम। ये भी बाहर आ गया है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर से डीअटैच हो गया है, इसको बेसिकली हम उठा के हम बाहर रखेंगे। ये दो पेज, एक ये रहा और एक ये रहा, और ऐसे ही एक ये है और एक ये है। हम इसको पहले कर लेंगे ओपन, ओपन करना बहुत इजी है, ये देखो। अब इसका फायदा क्या हुआ है, हमारा जो बेड है ना वो अलग हो गया है, ये देखो बेड हमारा बिल्कुल अलग हो गया है। अब इस बेड को हम रख देंगे अपने घर पे, ये रॉड हट जाएगी यहाँ से क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं सोलो कैंपिंग। ठीक है, ये लो जी, ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा बाहर। और अब नज़ारा कुछ है ऐसा, ये देख, अब है नज़ारा कुछ ऐसा, ये हमारा दिख रहा है देखो जी। अब ये सोलो कैंपिंग के लिए गाड़ी रेडी है हमारी, यहाँ पर बंदा आराम से सोएगा, सीटें दोनों आगे की लगी हुई हैं और यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। ये जो आप नट देख रहे हो ना, ये बहुत गलत जगह है, ये नट एक्चुअली गाड़ी का ओरिजिनल नट है जो कि ये 3 इंच का, ये लगेगा हमारा 1.5 इंच का, फिर ये नीचे चला जाएगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे भी हमारा स्टोरेज है, यहाँ से ऐसे आएगा बाहर, ये देखो जी। यहाँ अपना छोटा मोटा डिस्पोजेबल वगैरह जो मर्जी सामान जहाँ घुस सकता हो आराम से घुसा सकते हो, काफ़ी जगह है। और बंद करने के टाइम पर इसको हम कर देंगे बंद, ये लो जी, और यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, ये लो जी, अरे हा 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 हा, क्या बात है करण भाई, जैसे पहले लग रहा था ना कि ये चुभ रहा होगा बहुत, ये देखो जरा आराम से, जैसे पुरानी फिल्में होते थे मुनीम जी होते थे, हेडरूम भी मिल जाएगा। हाँ मेरा तो कह रहे देखो काफ़ी है, ये देखो, यस। तो ये जी कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया है सोलो कैंपिंग के लिए। ये हमारा पूरा बेड लगा हुआ है, यहाँ से हम अपना सामान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। ये ट्रे आपको मैंने कल दिखाई दी थी, मूव हो जाती है। नज़ारे अगर सामने बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से भैया सीटें हमारी, तो ये लो जी, तो ये था हमारा भाई साहब स्कॉर्पियो एन के अंदर का सिस्टम, जो कि हम अगर सोलो यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम उसको सोलो ट्रैवलर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फैमिली अगर साथ है तो उसके लिए आपने देख ही लिया है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी जो आपने वीडियो देखा है पूरा, वीडियो पूरा शूट होने के बाद, एडिट होने के बाद, हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन हमने किए हैं। आराम बज गया बच्चों को स्कूल से लाने का, उसके लिए उसका मैं आपको अपडेट दे दूं। कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, कुछ स्पेस हमें जो लग रहा था कि हम इधर उधर से निकाल सकते हैं वो निकाली है हमने। तो बेसिकली क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। अभी फ्रंट हमारा ऐसा हो गया है, पहले भी ऐसा ही था, लेकिन पहले क्या था कि यहाँ पर एक वुड फिनिश का एक ऐसा पतला कंपार्टमेंट था जो ऐसे बाहर स्लाइड होकर बाहर आता था, जिसके अंदर हम कुछ कुछ सामान रख सकते थे, उसको हमने हटा दिया है और पूरे स्ट्रक्चर को हम ले आए हैं इधर। इसका क्या फ़ायदा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारा यहाँ साइडों में स्पेस बन गया है बहुत सारा। इधर से दिखाओ भाई, देखो ये बहुत स्पेस मिल गया है, ये यहाँ से फ्लैप खुलता है और फ्लैप के अंदर बहुत सारा सामान, और ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने ये हटवा दिए, देखो ये हटा दिया हमने, ये बेसिकली लगे हुए थे हमारे यहाँ पर, एक यहाँ लगा हुआ था और एक उधर लगा हुआ था। तो ये हटाने के बाद नीचे
ये जगह इतनी ज़्यादा बन गई है ना कि डीकैथलॉन की दो चेयर पड़ी है इसके अंदर, देखो प्लस ये दो पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी जगह भी बाकी है, सामान आ जाएगा, इतनी जगह बन गई है। ऐसे ही एक फ्लैप इधर बन गया हमारा, ये देखो ये यहाँ से खुलता है बड़ा इजीली उंगली फंसा के, ये खुला है, देखो देखो जगह बहुत स्पेस हो गया अब हमारे यहाँ पे। तो अब जो हमारी लुक निकल के आई है वो कुछ इस तरीके की आई है, इसको बंद कर देते हैं ऐसे, और ये ऐसी लुक हो गई है। हमने ये इसको यहाँ से भी बंद कर दिया है, और हमने इसको यहाँ से भी बंद कर दिया है, ये एक हमने लॉक लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना, ये एक बहुत ही हमने ब्यूटीफुल सा लॉक यहाँ पे लगा दिया है। तो ये बन गई है हमारी कुछ इस तरीके की लुक बन गई है। बाकी एक बहुत ही हमने एक ब्यूटीफुल सा फीचर आगे दिया है, ये खोलते हैं, ये देखो जी। तो अभी तक हम क्या करते थे कि अपनी रॉड ना यहाँ रखते थे और उठा उठा के उसको 1 2 3 4 ऐसे लगाते थे, लेकिन अब हमने ये वाला सिस्टम कर दिया, रॉड अपनी अपनी जगह रहेंगी और बस ऐसे बाहर आएंगी, है ना ब्यूटीफुल। ये देखो ये ऐसे है, वो शिखाने निकाली, बस बस ईजी, बहुत ही कम्फर्टेबल कर दिया हमने, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बस आपको ऐसे ऐसे इनको निकालना है, यहाँ पे अपने पिलर लगाने हैं और ऊपर बैठ आ जाएगा इजीली, बस अब इतना आसान काम कर दिया। ये देखो ये गई अंदर, ये गई अंदर, और ये चली गई यहाँ पे अंदर, बस जोड़ दो, हो गया जी। इतना ब्यूटीफुली हमने ये सिस्टम कर दिया है। अब ये हर गाड़ी में पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर जिस जिस गाड़ी में पॉसिबल हो पाएगा उसमें ज़रूर करेंगे। अब हम सीट कर देंगे ऊपर, सीट कवर मैडम ऊपर। तो दोस्तों ये था स्कॉर्पियो एन के अंदर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूज किचन सेटअप विद 60-40 रेशो में बेड। आप देख रहे हो लक्स ऑन द ट्रेल। पूरी डिटेल के लिए आपको करना पड़ेगा फ़ोन इस नंबर पर 8800180004 पर। और मैं फिर कह रहा हूँ लाइक करते रहो, साथ साथ लाइक करने में कोई जोर नहीं पड़ता। इसको करते हैं फटाफट पैक, पैक करना बहुत ही आसान है, एक उंगली से हम कर देते हैं सब कुछ पैक। जैसे कि ये नीचे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये अपने अंदर चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी आपके मन में दुविधा है उसको अपने नीचे लिख देना है कमेंट के अंदर, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर लेंगे। इसी तरीके का अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर भी चाहिए कन्वर्टेड किचन या बेड सेटअप या कुछ भी रिलेटेड टू कैंपिंग, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपको हर तरह का मुनासिब हेल्प दी जाएगी। बात होगी आपकी लक्की से, और लक्की हूँ मैं, मेरा नाम लक्की है, माय नेम इज़ लक्की। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई गाड़ी के साथ किसी नई लोकेशन पर, फिर किसी और दिन किसी और समय। अभी आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए डिटेल में, और इसको कीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने लायक ये चीज़ है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।